कि होमो सेपियन स्पीशीज का ओरिजिन कहां से हुआ और क्यों दुनिया के सबसे पुराने ह्यूमन के एविडेंसेस भारत में मिलते हैं और आखिर भारत में ऐसा क्या खास था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि हमारी स्पीशीज अफ्रीका में ओरिजिनेट हुई थी और फिर धीरे धीरे वहां से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेट कर गई। ये माइग्रेशन हजारों सालों तक धीरे धीरे हुई। और दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी में एक सबसे फेमस थ्योरी है जो होमो सेपियंस के पूरे इतिहास के बारे में बताती है कि इनका जन्म कब हुआ और ये कहां से आए थे। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी वो फील्ड है जिसमें ह्यूमन बींग्स की स्टडी की जाती है और वो थ्योरी है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि होमो सेपियंस का ओरिजिन लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। हालांकि जो सबसे एक्यूरेट डेट बताई जाती है वो बताई जाती है 1.5 लाख साल पहले जब मॉडर्न ह्यूमंस का ओरिजिन हुआ। दोस्तों उस समय इंसानों की माइग्रेशन के दो सबसे बड़े रीजन थे फूड और वाटर की तलाश, और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हर भारतीय को पता होना चाहिए।